छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में भी आज नामांकन दाखिल करेंगी कांग्रेस प्रत्याशी फूलो देवी नेताम, और इसके अलावा केटीएस तुलसी भी आज नामांकन दाखिल करेंगी। हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। राजेश, इस तरीके से आज अंतिम दिन है राज्यसभा में नामांकन का, आज नामांकन की प्रक्रिया में कितने बजे तक प्रत्याशी पहुंचेंगे और क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, विधानसभा परिसर में ही राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया पूरी संपन्न कराने की व्यवस्था की गई है। आज नामांकन दाखिल का समय है, आज 11 बजे से लेकर 3 बजे तक नामांकन दाखिल होंगे। और जैसे अभी सूचना मिल रही है कि कांग्रेस ने जो दो प्रत्याशी घोषित किया है राज्यसभा के सदस्य के लिए, तो उसमें फूलो देवी नेताम और KTS तुलसी, ये दोनों अभी फिलहाल CM हाउस में है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर रहे हैं, और उसके बाद राजीव भवन जाएंगे, वहाँ सभी कांग्रेसी इकट्ठा होंगे, जिसमें प्रदेश प्रभारी पुनिया भी रहेंगे। वो तमाम लोग फिर वहां से एक काफिले के रूप में विधानसभा पहुंचेंगे और लगभग 11:30 बजे तक उनके यहां पे पहुंचने की संभावना है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने फिलहाल संख्या बल में उनकी कमी है, तो उसके हिसाब से फिलहाल उन्होंने राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए अपना प्रत्याशी खड़ा करने से इनकार कर दिया। तो ऐसी स्थिति, जिस तरह से स्थिति निर्मित हो रही है, केवल दो ही सीट है और दो ही लोगों का अगर नामांकन आता है, फूलो देवी नेताम और KTS तुलसी जो कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी हैं, उनका ही नाम आता है, तो आज ही निर्विरोध रूप से वो औपचारिकता बाकी रह जाएगी, बाकी निर्विरोध रूप से चुन लिए जाएंगे। तो यहाँ पर विधानसभा परिसर में समिति कक्ष क्रमांक 1 है, वहाँ पर इसकी व्यवस्था की गई है। तमाम जो रिटर्निंग अफसर हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। 11 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है वो नामांकन जमा किया जाएगा, और मान लो दो से ज़्यादा नामांकन अगर को भरते हैं तो फिर आगे की प्रक्रिया होगी, जिसमें से 16 मार्च को नामांकन की जाँच होगी, 18 मार्च को नामांकन वापसी का दिन निर्धारित किया गया, और 26 मार्च को राज्यसभा का चुनाव रखा गया। अगर 2 सदस्य हैं उससे ज़्यादा अगर कोई नामांकन दाखिल करता है तो स्थिति निर्मित होगी, अन्यथा दो ही जो सदस्य हैं जिनका नामांकन दाखिल होगा उनको राज्यसभा का सदस्य छत्तीसगढ़ के कोटे से चुन लिया जाएगा। तो तैयारियां यहां पर पर्याप्त हैं, रिटर्निंग अफसर पहुंच चुके हैं, व्यवस्था को पूरी तरह देख रहे हैं, पुलिस बल का यहां पर खासा इंतजाम यहां पर किया गया है, और 11 बजे से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 3 बजे तक यहां पर जारी रहेगी। तो 11:30 बजे तक जो कांग्रेस के 2 अधिकृत प्रत्याशी हैं फूलो देवी नेताम और KTS तुलसी जी, उनके यहां पर आने की संभावना है। जी चलिए, तो आज नामांकन के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों जगह पर नामांकन की प्रक्रिया चलेगी। राजेश, आप नजर बना रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।